नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स एज न्यूज में। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने महेंद्र सिंह धोनी के बल्लेबाजी क्रम को लेकर दिया एक बड़ा बयान। जानेंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया नीचे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही क्रिकेट जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई 5 वनडे मैचों की सीरीज के बाद अब क्रिकेट के गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है। इस सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी के बल्लेबाजी क्रम में लगभग हर मैच में बदलाव क्यों किए गए और क्या यह बदलाव जरूरी भी थे। तो दोस्तों, इसी बात पर क्रिकेट जगत के दिग्गज सुनील गावस्कर ने अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि धोनी जैसे खिलाड़ी के लिए कोई निश्चित बल्लेबाजी क्रम नहीं है, क्योंकि वह टीम इंडिया के लिए किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकता है। भारत को मैच की स्थिति के अनुसार उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वह भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ फिनिशर हैं। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि बल्लेबाज को ज्यादा पिछले क्रम पर भेजकर उस पर दबाव तो बढ़ता ही है, साथ ही टीम का मिडल ऑर्डर भी कमजोर हो जाता है। दोस्तों, सुनील गावस्कर के इस बयान से साफ है कि वह कहना चाह रहे हैं कि लगातार अगर महेंद्र सिंह धोनी को पिछले क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया तो यकीनन भविष्य में बल्लेबाजी को लेकर उन पर दबाव तो रहेगा ही, साथ ही इससे भारतीय क्रिकेट टीम का मिडल ऑर्डर भी कमजोर हो सकता है। तो इसी कारण से धोनी को मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए भेजना चाहिए, यानी कि चौथे और पांचवें नंबर पर। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी को चौथे और पांचवें नंबर पर ही बल्लेबाजी करनी चाहिए? मैं अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ताकि ऐसे ही क्रिकेट जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।